समय में हर युवा नौकरी की चाह में शहरों की तरफ रुक कर रहे हैं, किंतु कुछ युवा ऐसे भी हैं जो शहरों को छोड़ अपने गांव में ही अपनी कमाई के साधन तैयार कर अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण उपमंडल फतेहपुर के गांव अगाहर का है। अगाहर के नरेश कुमार, जो कि शहर में करीब हर माह 15,000 की सैलरी पर नौकरी कर रहे थे और अब वह सब्जी बेचकर उतनी आय कमाने लगे हैं जितनी नौकरी के दौरान कमाते थे। विभाग से मिल रहे सहयोग से उन्हें काफ़ी मदद मिल रही है और समय समय पर विभाग उनका मार्गदर्शन कर रहा है। विषादी हैं और ये जो हमने टैंक बनाया है, ये जल से कृषि को बल के अंतर्गत बनाया है और इसमें जो लागत लगी है 4,98,000 रुपये के करीब लगभग लागत लगी है और ये सारा कार्य जो है वो ये सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से, सॉइल कंजर्वेशन महकमे की तरफ से किया गया है और किसान जो हैं वो पानी अपने खेतों में लगा रहे हैं। सौर सिंचाई योजना के तहत ना कोई बिजली का बिल आएगा, जब चाहें ये बिजली को ऑन कर सकते हैं, मोटर को ऑन कर सकते हैं और कोई भी इनके ऊपर अतिरिक्त पैसा खर्च नहीं होगा। डॉक्टर मीनाक्षी सैनी है और मैं कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और मैं सॉइल कंजर्वेशन विंग में हूँ एग्रीकल्चर में। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा एज एडीओ यहाँ पे क्या काम है। जैसे सॉइल कंजर्वेशन में हमारे पास बहुत सी स्कीम्स होती हैं, हम इसमें वाटर कंजर्वेशन करते हैं। जैसे ये यहाँ जब जहाँ हम आए हुए हैं, यहाँ पर हमने चेक डैम लगाया है जो पहले आपको दिखाया हमने। चेक डैम में हमने पानी, चेक डैम लगाने के बाद हमने ये टैंक बनाया है और टैंक में पानी स्टोर किया। फिर किसानों की तरफ से हमें मांग आई कि हम वो चाहते थे कि हम ये पानी लिफ्ट भी करें, तो उसके लिए हमारे विभाग ने इनको सोलर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम दी जिससे पानी लिफ्ट हुआ और इस टैंक में स्टोर हुआ। अब टैंक के बाद किसानों का फिर से हमसे आवेदन था कि हम उस पानी को हर एक खेत तक पहुँचाएँ, तो उसके लिए हमने उनको फ्लो इरीगेशन स्कीम के तहत फवारा सिस्टम प्रोवाइड किए जिससे उनके हर एक खेत में फवारे के थ्रू पानी लगता है और पाइपें दी हैं पानी के लिए। तो अब इन किसानों को हमने पानी प्रोवाइड किया और अब ये गेहूं और धान के अलावा अपने सब्जियों का काम करते हैं और अच्छी आय ले रहे हैं। अगर इनको कोई समस्या आती है सब्जियों में, अगर इन्हें कभी कोई समस्या आती है तो हम इनका पूरा सहयोग करते हैं। जैसे अगर इनको कोई वैरायटी में या किसी कोई इंसेक्ट पेस्ट लगता है या कोई वीड आ जाते हैं, खरपतवार आ जाते हैं, तो हम उसके लिए भी इनकी सहायता करते हैं कि कौन सा वीडिसाइड यूज़ करें और कौन सा इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज़ करें। खीरा है लगाया हुआ है, डानी है, घिया है, करेला है और सर ये चीज़ें फिलहाल हमारे लिए। ये कैसे आपने, कैसे आपके जहन में आ गया कि हम मुझे जो है ना बाकी जॉब को छोड़ के जो ना इस तरफ मैं अगर काम करूं तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो किससे इंस्पायर हुए थे आप? सर इंस्पायर तो मैं वैसे किसी से नहीं हुआ, बस हमारे घर में पहले हम काम यही करते थे लेकिन घर के हालात के चक्कर में हम मशीन चलाने गए बाहर। वहाँ पर भी वो पैसे तो ठीक थे लेकिन वही चक्कर था कि बाहर का काम से कभी सैलरी नहीं मिलती थी, कभी क्या होता था, तो इसके चक्कर में हम घर में आ गए। अपना ज़मीन वैसे पड़ी थी लेकिन इसमें हम कुछ कर नहीं सकते थे उस टाइम, पर फिर भी